गाइज इट्स यशिता एंड वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग. तो एज यूजुअल आई एम इन माई स्टूडियो. एक्चुअली मुझे ना आज सुबह से बहुत ही ज्यादा ऐसे लेजी लेजी सा लग रहा था. ये मौसम चेंज हो रहा है ना, जो अभी विंटर्स आने वाली है उसमें सबको ये सर्दी जुकाम और फीवरिश वाली चीज होती है. तो आज सुबह मुझे ऐसा लग रहा था मुझसे उठा नहीं जाएगा, बट आई हैड टू शूट टू वीडियोज. तो किसी तरह मैं आ गई, मैंने अभी काम खत्म किया है. मैंने सोचा कि आज व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि आज है करवा चौथ. तो आज मुझे मम्मी को रेडी करना है और पापा भी है घर पे. और आज पता है मैंने बहुत इंटरेस्टिंग काम किया. सुबह उठ के तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, उसके बावजूद मेरे मम्मी के हाथ में आज मेहंदी लगाई है. जैसी भी आती है मुझे थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी सी कुछ तो लगा दी है मैंने. तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी, मम्मी ऊपर ही आ रही है, पूरी बात आपको मम्मी बताएंगी मिलके. बट यस, अभी हम ब्लॉग स्टार्ट करते हैं. अगर आप इंटरेस्टेड हो प्लीज देखते रहो. एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके प्लीज सब्सक्राइब कर दो. वी आर ऑली क्लोज टू 900K, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो यार. ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल एंड फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम मिनिया. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो. आपने पीछे मेहंदी लगाई है क्या, यही दिखाने आ रहे थे? मम्मी बोल रही थी मैं ऊपर आ रही हूँ कुछ दिखाने. यार ये पीछे तो बहुत सुंदर लगाई है, बाहर से लगवाई आपने अभी? नहीं, ये मेरी फ्रेंड ने लगाई है, राखी ने. अच्छा यार, ये होती है मेहंदी है ना, ऐसे लगाना सीखना पड़ेगा. और एक सेकंड, मैंने सबको बताया कि आज सुबह मैंने लगाई है, वो दिखाना जरा. ये भी बहुत सुंदर है. ओके पर वो तो हाँ मतलब आती नहीं है मुझे. और पता है इस बार पूरी स्टोरी बनी है मम्मी की मेहंदी की, क्योंकि ये वाली हम कल रात में गए थे लगवाने और 10:30 बज गए थे आई थिंक. इस बार मेहंदी पूरा इतिहास सच में, मतलब इतनी कल भीड़ थी कि हमने किसी तरह एक हाथ पे लगवा लिया. पहले 2-3 जगह हम लाइट लगा के बैठे, पहले एक्टा गए, इंदिरा मार्केट में थे तो वहां पे ट्राई किया, तो 20 मिनट खड़े रहे, फिर हमें लेट हो रहा है, मतलब 2-3 मार्केट्स घूमे हैं और फिर एक हाथ पे लगी है, फिर दूसरे हाथ पे मैंने सुबह लगाई. तो एनीवेज, जो भी, इन सबके बाद मम्मी की मेहंदी फाइनली कंप्लीट तो हो गई है, चलो है ना हर साल की तरह. और आज मैंने मम्मी को बोला है कि मैं खाना बनाऊंगी क्योंकि मम्मी का फास्ट है. बैठे हुए आपको अभी तक लग रहा है कुछ फास्ट का फील हो रहा है? प्यास तो बहुत आदत पड़ गई, मैंने तो पहले से करवा चौथ शुरू कर दिया था रखना. मम्मी मेरी को शादी करके घर बसाने का शौक होता है, मम्मा उनमें से एक है. तो जो भी आज का मैंने सोचा है डिनर, देखो आज लंच बहुत सिंपल बनता है ना. आज के दिन मम्मी को तो खाना नहीं है, सिर्फ दाल चावल बनेंगे. अभी मैं घर जाके लंच करूंगी, भूख लग रही है. बट दैट्स नॉट द टॉपिक. बात ये है कि आज जो डिनर बनेगा वो बहुत अच्छा यम्मी सा बनता है. तो उसमें मैं हेल्प क्या, मैं सोचू मैं सब्जी बनाऊँ आज एक पूरी, और पूड़िया भी मैं सोच रही हूँ मैं ही बनाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत अच्छी बनाती है, सब्जी भी बहुत अच्छी बनाती है, सब कुछ बना लेती है पर बहुत स्लो है. स्लो तो देखो, अभी जो आदत नहीं रहेगी तो सभी स्लो ही रहते हैं. पर सोचती है इतना, यही मेरे लिए नहीं, आई विल ट्राई माई बेस्ट. ठीक है, मैं पूजा की हेल्प से बनाने का आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं एक सब्जी तो बना ही लूँ और पूड़ियाँ बना लूंगी, देखते हैं, ताकि मम्मी को थोड़ा आराम मिल जाए आज. और फिर शाम में मैं आपका मेकअप करने वाली हूँ. मैंने आपको अभी आप ऐसे देख लो, शाम में फिर मैं बदली बदली पहचान लेना. अच्छा By the way guys, this was my outfit. ये जो मैंने वीडियो के लिए पहनी थी. और एक राज की बात दिखाती हूँ, नीचे मैंने सॉक्स पहने हुए हैं क्योंकि फर्श ठंडी लगती है मुझे, तो मुझे ज़्यादा ठंड लगती है. ठीक है, तो मैं पहले से ये सॉक्स वगैरह पहनना स्टार्ट कर देती हूँ. अभी मैं जा रही हूँ नॉर्मल कंफर्टेबल क्लोथ्स में, अपने नॉर्मल अवतार में, और आपसे मिलती हूँ. बाय. ओके, तो एज प्रॉमिस्ड मैं यहाँ पे डिनर के लिए सब्जी प्रिपेयर कर रही हूँ. मेरा काम बहुत ज़्यादा आसान हो गया था क्योंकि इसकी सारी प्रिपरेशन वगैरह मुझे कटपट करके मिल गई थी सब्जी. तो एक पैन में मैं इसको सॉटे कर रही हूँ, दूसरे पैन में मैं इसकी ग्रेवी बना रही हूँ. और पूरी रेसिपी मैंने शूट नहीं किया क्योंकि गाइज एक हाथ से खाना बनाना और दूसरे हाथ से ये कैमरा पकड़ना बहुत ट्रिकी है, डिफ़िकल्ट है. जितना मैं शूट कर पाई मैंने बस उतना सा आपके लिए ग्लिम्स शूट किया है, बट काफ़ी अच्छी सब्जी बन गई थी. और साथ ही साथ मम्मी ने ये डिलिशियस सी खीर भी बना ली थी. हेलो गाइज, मैं आपसे मिल रही हूँ बहुत देर के बाद. मैंने आपको भी इसके पहले दिखाया, शाम में मैंने आलू गोभी की सब्जी एज प्रॉमिस बाउस हेल्प की मदद लेके, पर पूरा मैंने खुद से नहीं बनाया, पर फिर भी मम्मी का काम आसान हो गया बहुत. और एक सेकेंड, नई नवेली दुल्हन से मिली आप लोग, जिनको रेडी मैंने किया है और कैसे रेडी किया है वो आप मेरे शॉर्ट्स पे देख सकते हो. मैंने फुल वीडियो बनाई है, बट अभी आपको अच्छे से दिखाती हूँ मम्मी का गेटअप. शी इज लुकिंग एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल. पटाखे क्यों फट रहे हैं आज करवा चौथ की खुशी में? एनीवे, अच्छा आपको देखिए. नहीं नहीं, लुक कैसे लग रहा है कमेंट्स में बताओ. अभी हम स्टूडियो में इसलिए हैं क्योंकि ना हमारा स्टूडियो बहुत ऊपर फ्लोर पे है, तो हो सकता है यहाँ से चांद दिखने के चांसेस ज्यादा है. अगर नहीं दिखेगा थोड़ी देर के बाद तो घर जाके देख लेंगे. पर यस, यहाँ मम्मी पापा की भी फोटोशूट भी होगी, मैंडेटरी फोटोशूट बनता है ना आज के दिन. बिल्कुल. और मैं आपका लुक थोड़ा ढंग से दिखाती हूँ, रुको. जी देखो देखो देखो, मम्मा का फुल लुक, वेरी ब्यूटीफुल. अपनी हेयर स्टाइल दिखाओ.
और ये कैसे बनाई वो आपको देखना है तो शॉर्ट्स वीडियो पे देख लेना गाइस। बट यस मामा बहुत प्यारे लग रहे हो आप। थैंक यू। क्या प्यारा चांद दिख रहा है स्टूडियो से। और पापा भी बस ऊपर आ ही गए, अभी आ गए एकदम सही टाइम पे। चांद भी निकल आया और पापा भी, और दोनों का कलर कॉम्बिनेशन पे गौर फरमाया जाए बहुत अच्छे लग रहे हो दोनों यार। गाइज सो इट इज़ द नेक्स्ट डे एंड मैंने आज सुबह से कुछ ब्लॉग नहीं किया, बट अभी आई हैव जस्ट पिक्ड अप माई कैमरा बिकॉज मैं आई हूँ DLF मॉल। आई हैड टू पिक अ फ्यू थिंग्स और आई हूँ तो थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर लूँगी क्योंकि दिवाली आ रही है। सो आई थॉट कि चलो यार थोड़ा ब्लॉग कर लेती हूँ, आपको कलेक्शन भी दिखाती हूँ न्यू। तो अभी बस जाती हूँ मैं ऊपर, फिर आपसे मिलती हूँ। सो एज ऑलवेज मैं अपने फेवरेट H&M के स्टोर पे आ चुकी हूँ। मैंने काफ़ी सारे एड्स देखे थे उनके कि उनका फेस्टिव कलेक्शन आया है एंड आई रियली वॉन्टेड टू चेक इट आउट। एंड सच बताऊँ स्टोर एंटर करते से ही इतने ज़्यादा चमकीले भड़कीले सीक्वेंस वाले कपड़े दिखे ना मुझे, बट इट वॉज सो क्यूट। मतलब काफ़ी अच्छे और प्यारे पीसेस भी थे, मैंने ट्राई भी किया है, उसकी एक सेपरेट वीडियो मैं कुछ दिनों में डालूंगी तो आप लोग देख लेना। तो फिर H&M से शॉपिंग करने के बाद और भी कुछ चीज़ें मुझे लेनी थी और फिर मुझे डीकैथलॉन के स्टोर पे मिली अपनी ये प्यारी सी सब्सक्राइबर। एंड उसके बाद मेरा इम्प्रॉम्प्टो प्लान बना मैकडॉनल्ड्स जाने का। काफी दिनों के बाद हम ड्राइव थ्रू गए। Hi guys, so it is the next day. ये व्लॉग पिछले 3-4 दिनों से चलता ही आ रहा है बट आज मैं आई हूँ एक दिवाली मेला में, मेरी आंटी की सोसाइटी में होने वाला है तो उन्होंने बुलाया था। सो मैंने सोचा आज भी व्लॉग कर लेते हैं। मेरे साथ है ऑफकोर्स मम्मा। हेलो बोलो। मम्मा इज लुकिंग वेरी प्रीटी बाय द वे। आपकी बर्थडे ड्रेस है ना, इतना क्यूट क्यूट स्टॉल्स वगैरह होंगी। सो लेट्स सी कुछ अच्छा मिलेगा तो शॉपिंग वगैरह करेंगे एंड थोड़ी दिवाली वाली फील भी ले लेते हैं, वाइब भी ले लेते हैं। तो बस अभी यहाँ कार पार्क कर दी, अब अंदर चलते हैं, आंटी से मिलते हैं और आप लोगों को भी मैं दिवाली वाली फील देती हूँ। हाय। ओके सो वी हैव एंटर्ड द दिवाली मेला एंड द होल वाइब वॉज अमेजिंग। बहुत अच्छे म्यूजिक, ढोल वाला म्यूजिक बज रहा था एंड जैसे ही मैं एंटर हुई हूँ ना, आई मेट द स्वीटेस्ट सब्सक्राइबर एंड शी वॉज सो स्वीट। मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि आपसे मिलके मेरा दिन बन जाता है। एंड उसके बाद हमने थोड़े बहुत सारे स्टॉल्स वगैरह एक्सप्लोर किए, काफ़ी सारे क्यूट क्यूट स्टॉल्स थे वहाँ पे। उसके बाद वहाँ पे मैंने देखा एक जगह ये पॉटरी वाला स्टॉल था और मुझे इतना मन करा ना वहाँ बनाने का, तो फिर मैंने वहाँ पे एक दिया बनाया है जिसका एंड रिजल्ट मैं आपको वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगी, बट ये करने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया। फिर मैं यहाँ चेकआउट कर रही हूँ कुछ डिज़ाइनर ब्लाउजेज़ और उसके बाद मुझे बहुत ही प्रिटी सी ज्वेलरी और इयररिंग्स वाली शॉप दिखी थी। एंड यू गाइस नो कि इयररिंग्स और ज्वेलरी स्टाइल की मेरी वीकनेस है, मुझे बहुत पसंद है देखना। तो यहाँ पे हमने कुछ कुछ चीज़ें ली, बहुत प्यारे ब्रेसलेट्स वगैरह भी थे यहाँ पे। Guys can clearly see this was a lot of fun and then I met some other cutie fam members and उसके बाद हम गए वहाँ पे खाने वाले stalls पे और मैंने बहुत yummy yummy food खाया है जिसकी again एक separate video आ जाएगी जल्दी ही। पर सबसे पहले यहाँ पे मैं बनवा रही हूँ पापड़ी चाट, one of my most favorite charts, you guys already know।
बस अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। बहुत ज़्यादा मज़ा आया, मैं इतने सारे लोगों से मिली आप लोगों में से, तो मेरा दिन बन गया। और मैंने आज ये दिया बनाया है और ये क्यूट सा पॉट भी लिया है, बहुत इसमें भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया एंड वी हैड यमी यमी फूड। ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई रियली होप यू गाइस एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू डिड डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग थम्स अप, ऑल्सो सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड आई एम गोना सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। अपना ध्यान रखो, बाय।